इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन लें और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568698 9234623333। न्यूज बुलेटिन में चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज पांचवा सवाल यह रहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जून, बी 21 जून, सी 22 जून, डी 23 जून। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। ज्यादा और अधिक दिन तक सही जवाब देने वाले को जीएस न्यूज की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार, साथ ही हम करेंगे उनके साथ एक इंटरव्यू खास मुलाकात। गुरु पूर्णिमा पर कुप्पा घाट में पसरा रहा सन्नाटा, प्रतिबंध के कारण नहीं आए भक्तजन। इस बार गुरु पूर्णिमा में महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट में बड़े पैमाने पर धार्मिक आयोजन नहीं हो सका। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जिला प्रशासन ने आश्रम में प्रवेश पर रोक लगा दी है, इस कारण यहां सन्नाटा पसरा रहा। वहीं आश्रम के संत महात्माओं ने महर्षि मही परमहंस जी महाराज और भागीरथ जी महाराज को प्रणाम निवेदित किया। वहीं संत मत के मंत्री के निर्देश पर भक्तजनों ने भी अपने अपने घरों में ही रहकर गुरुओं की पूजा अर्चना की। अब भागलपुर TMBU के कुल सचिव हुए कोरोना पॉजिटिव 12 अनसंदिग्ध। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय के अन्य 12 कर्मी भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं। इसकी पुष्टि DSW डॉक्टर राम प्रवेश सिंह ने भी की है। वहीं विश्वविद्यालय के हित में कड़ी मेहनत करने वाले कुल सचिव के कोरोना संक्रमित हो जाने की खबर से TMBU में हड़कंप मच गया है। कौन कब किससे और कहां मिला है, इसको लेकर सब सशंकित है। सबके मन में कोरोना का भय समा गया है। बहरहाल कुल सचिव होम क्वारंटाइन में है। नवगछिया में 50 लोगों का लिया गया सैंपल। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में रविवार को कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए लोगों का सैंपल जांच के लिए लिया गया है। रविवार को कुल 50 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन लोगों का सैंपल लिया गया है वे सभी लोग संक्रमित मरीज के चयन से जुड़े हुए हैं। सैंपल लेने के बाद उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। गुरु पूर्णिमा पर फेसबुक लाइव के माध्यम से बोले स्वामी आगमानंद जी महाराज, प्रत्येक दिन गुरु के लिए वंदनीय। परमहंस स्वामी आगमानंद जी महाराज ने संध्या 4 बजे फेसबुक पेज पर लाइव के माध्यम से आशीष वचन देते हुए कहा कि जीवन में गुरु और शिष्य के महत्व आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए यह दिन एक आदर्श है। गुरु का आशीर्वाद सर्वाधिक कल्याणकारी एवं ज्ञानवर्धक होता है। यह महोत्सव संस्कृत के प्रकांड विद्वान चारों वेद के रचयिता महर्षि वेद व्यास को समर्पित है। नवगछिया में सनातन सेवा समिति ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना कर मनाया गुरु पूर्णिमा। रविवार को देश भर में गुरु पूर्णिमा मनाया गया। नवगछिया के नगर में स्वामी आगमन जी महाराज के निर्देशानुसार सनातन सेवा समिति के सदस्यों ने नगर स्थित दुर्गा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर गुरु पूर्णिमा मनाया। सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि कोरोना के कारण इस बार गुरु पूर्णिमा गांव के दुर्गा मंदिर में स्थानीय लोगों के साथ 2 गज दूरी का ध्यान रखते हुए मनाया गया। वहीं मंदिर में पूजा करने आए भक्तों को अल्प प्रसाद के साथ आयुष मंत्रालय द्वारा जारी काढ़ा पीने के लिए जागरूक किया गया। मौके पर संस्था के लखन पांडे, माधवानंद ठाकुर, शरद योगी, सुनील सिंह, सूरज ठाकुर, विष्णु, दीपक सांडिल, अभिनव मानस, नीरज राठौर, प्रमोद सिंह, हरिहर कन्हैया सहित संस्था के सदस्य मौजूद रहे। छोटे रहते हैं तो पहले स्कूल में भेजते हैं तो पहला गुरु माँ बाप, उसके बाद जो है स्कूल का गुरु होते हैं। और पूर्णिमा जो है गुरु पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण। और समस्त श्रद्धालु भक्तजनों को मैं गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा की आत्मिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ ये बताना चाहूंगा कि मैं माधवानंद ठाकुर नगरा गांव से गुरुग्राम नगरा, और ये आज व्यास पूजन जिसको कि गुरु पूर्णिमा कहते हैं, कार्यक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से जहाँ भी हमारे परम पूज्य स्वामी आगमानंद जी महाराज का। नवगछिया में गुरु पूर्णिमा पर प्रसाद का किया गया वितरण। नवगछिया में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा मनाया गया। स्वामी आगमानंद जी महाराज के आदेशानुसार राह में 300 लोगों को गुरु पूर्णिमा पर प्रसाद वितरण किया गया, जो नवगछिया स्टेशन चौक से नया टोला होते हुए बस स्टैंड नवगछिया 0 माइल, तीतरी 0 माइल के रास्ते दुर्गा स्थान तक एवं अन्य जगहों पर वितरण किया गया। वहीं आयोजन को सफल बनाने में डॉक्टर दीपक कुमार, राजेश झा, नीलेश झा, राकेश कुमार सहित कई अन्य का सहयोग रहा। सरकार की गलत नीतियों के विरोध में राजद ने निकाला साइकिल यात्रा और मनाया 24वां स्थापना दिवस।
राष्ट्रीय जनता दल नौगछिया इकाई द्वारा रविवार को पार्टी का 24वां स्थापना दिवस पर मकनपुर चौक आनंद निलय भवन के समीप से होते हुए नगर क्षेत्र से गुजरते हुए बनिया बैसी एवं नगरा काली मंदिर तक कार्यकर्ता और समर्थक ने 5 किलोमीटर साइकिल यात्रा निकालकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अलक निरंजन पासवान व नेतृत्व जिला प्रधान महासचिव संजय मंडल एवं युवा नेता शैलेश यादव ने संयुक्त रूप से की। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर भाजपा प्रवक्ता को किया पदमुक्त। फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर नौगछिया भाजपा संगठन के जिला प्रवक्ता राजेश मणि को पदमुक्त कर दिया गया है। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने एक प्रेस नोट भेजकर प्रवक्ता द्वारा किए गए पोस्ट से खुद को किनारा करते हुए कहा कि भाजपा संगठन का इस तरह के पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, इससे खास जाति वर्ग की भावना को ठेस पहुंचती है। इसके लिए उन्होंने खेद प्रकट भी किया है। उन्होंने कहा कि तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी के जिला प्रवक्ता पद से पदमुक्त कर दिया गया है और प्रदेश को रिपोर्ट भी किया गया है। इधर राजेश मणि द्वारा फेसबुक पर टिप्पणी किए जाने के बाद जगह जगह लोगों में आक्रोश है। कई लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है। कोसी पार इलाके का विकास बिना प्रखंड बनाए संभव नहीं। कोसी पार ढोलबजा प्रखंड संघर्ष समिति की तीसरी साप्ताहिक बैठक मध्य विद्यालय ढोलबजा में आयोजित की गई। बैठक में सीमावर्ती तीनों जिले भागलपुर, पूर्णिया और मधेपुरा के सीमावर्ती पंचायतों से ग्रामीणों ने अपनी बातों को रखा। वक्ताओं ने कहा कि नौगछिया की कोसी पार इलाके का विकास बिना प्रखंड बने नहीं हो सकता है जब तक इन तीनों जिले की सीमावर्ती गाँव और पंचायत को मिलाकर प्रखंड की घोषणा नहीं की जाएगी। अभय कुशवाहा के वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए युवा जदयू जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल। युवा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार कुशवाहा के वर्चुअल मीटिंग में युवा जदयू नौगछिया जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल भी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष ने अपने मीटिंग के माध्यम से आगामी विधानसभा चुनाव की विशेष तैयारी को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिया है, जिसमें सोनू ने अपने कार्य क्षेत्र में पार्टी के लिए मजबूती से कार्य करने की बात कही। वहीं पार्टी कार्यकर्ता को विधानसभा की तैयारियों को लेकर पुनः 12 जुलाई को फेसबुक पर लाइव रहने का निर्देश दिया गया है। नौगछिया के समाज सेवी बच्चा बाबू का निधन, शहर में शोक। विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष सह संपूर्ण वैश्य समाज के प्रदेश महासचिव प्रवीण भगत के पिता नौगछिया शहर के प्रमुख समाज सेवी सह शिक्षा वृद्ध एवं महंत वेदिही शरण संस्कृत महाविद्यालय के सचिव बच्चा प्रसाद भगत उर्फ बच्चा बाबू का बीती रात निधन हो गया। वे विगत कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। वे 85 वर्ष के थे। वे अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 2 पुत्र वधु, 1 पुत्री और 1 पौत्र सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। नवगछिया में होटल संचालक से 50,000 की रंगदारी की मांग, अंधाधुंध की फायरिंग, बाल बाल बचे होटल मालिक। शनिवार की देर रात्रि रंगरा थाना क्षेत्र के NH31 सड़क मार्ग पर रंगरा चौक के समीप स्थित एक लाइन होटल के संचालक से बाइक सवार 3 अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने 50,000 की रंगदारी की मांग की। रंगदारी की रकम देने से इनकार करने पर अपराधियों ने होटल संचालक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे होटल संचालक ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। अपराधियों द्वारा लगभग आधा दर्जन राउंड गोली चलाई जाने की बात बताई जा रही है। इस बाबत पीड़ित होटल संचालक संतोष कुमार ठाकुर और गुड्डू ठाकुर ने अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध रंगरा थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। अब पैसा नहीं बनेगा, पढ़ाई में बाधा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, पढ़ना और खाना बिल्कुल फ्री। BA, BCom, BSc, Polytechnic, BTech, BBA, BCA सहित नर्सिंग कोर्स में लें निःशुल्क नामांकन। हमारा पता है MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 82 28 95 69 05 88 73 97 36 80। नारायणपुर, अशोक कुमार यादव बने किसान सलाहकार समिति के प्रखंड अध्यक्ष। कृषि प्रौद्योगिक प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा जिला कृषि पदाधिकारी भागलपुर ने किसान सलाहकार समिति का नारायणपुर प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार यादव को चयनित किया है। इसके लिए जिला कृषि पदाधिकारी और बिहार सरकार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार द्वारा एक चयन पत्र भी अशोक कुमार यादव को दिया गया है। बता दें कि अशोक कुमार यादव बागवानी और फसल के प्रति सजग रहते हैं। नारायणपुर हाई स्कूल में 9वीं कक्षा का नामांकन शुरू। नारायणपुर प्रखंड के हाई स्कूल नारायणपुर, नागर हाई स्कूल पहाड़पुर, मौजमा गनौल, रायपुर, भवानीपुर, मथुरापुर, बलहा, भमरपुर के सभी उच्च विद्यालयों में 9वीं कक्षा के लिए नामांकन शुरू हो गया है। नामांकन पखवाड़ा 15 जुलाई तक चलेगा। आशय की जानकारी देते हुए ललित नारायण मिश्र बालिका इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय भमरपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर कुमार चंदन ने बताया कि विद्यालय में शारीरिक दूरी का ध्यान रखते हुए छात्राओं का नामांकन निर्धारित शुल्क के साथ विद्यालय में लिया जा रहा है। ओए मां,
बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर और मार्ट ऑनलाइन मार्केट। बैग चॉइस महेंद्र लस्सी वाले के सामने पोदार गली नवगछिया। अमेरिकन टूरिस्टर, वीआईपी, फ्लाई, कैमिलियंट सहित सभी ब्रांड के ट्रॉली, सूटकेस बैग, स्कूल बैग, लेडीज पर्स सहित सभी प्रकार के बैग के लिए एक बार जरूर संपर्क करें। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल 8594555586। बैग है लेना तो बैग चॉइस ही है जाना।